ये प्रसंग बहुत ही रोचक तथा मन को आनंद देने वाला है। ये उस समय की बात है जब भगवान राम के पुत्रों लव कुश ने उनका अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया था तथा श्री राम के साम्राज्य को चुनौती दी थी। उस समय घोड़े की रक्षा करने के लिए श्री राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न सेना सहित थे, लेकिन लव कुश ने अपने बल से संपूर्ण सेना को शत्रुघ्न समेत मूर्छित कर दिया था। इसके पश्चात श्री राम ने लक्ष्मण को सेना सहित दोनों से युद्ध करने भेजा, लेकिन लव कुश ने लक्ष्मण को भी सेना सहित मूर्छित कर दिया था। जब लक्ष्मण के भी मूर्छित होने का संदेश अयोध्या के राज दरबार में पहुंचा, तो श्री राम अत्यधिक विचलित हो गए। उनके आदेश पर भरत, सुग्रीव तथा हनुमान लव कुश से युद्ध करने गए थे। हनुमान ने पहचाना लव कुश को, हालांकि न ही श्री राम को पता था कि लव कुश उनके पुत्र है तथा न ही लव कुश को पता था कि श्री राम उनके पिता। आश्रम में भी लव कुश के पिता से हर कोई अनभिज्ञ था, लेकिन जैसे ही हनुमान उनसे युद्ध करने पहुंचे तो उनके मुख को देखकर उन्हें श्री राम के बाल स्वरूप का आभास हुआ। ये देखकर हनुमान के मन में शंका उत्पन्न हुई तथा उन्होंने आंखें बंद कर प्रभु से प्रार्थना की कि यदि उन्होंने सच्चे मन से श्री राम की भक्ति की है तो इन दोनों बालकों के माता पिता की छवि उन्हें दिख जाए। ये कहते ही हनुमान के सामने श्री राम तथा माता सीता की छवि प्रकट हो गई। इससे हनुमान को लव कुश के माता पिता का पता चल गया। जैसे ही हनुमान को लव कुश के माता पिता का ज्ञान हुआ, उन्होंने अस्त्र नहीं उठाए तथा दोनों को घोड़ा वापस देने तथा श्री राम से मिलने की याचना की, लेकिन दोनों ने प्रस्ताव स्वीकार कर दिया। उन्होंने अपने अस्त्र से हनुमान पर प्रहार किया, लेकिन हनुमान हाथ जोड़े खड़े रहे तथा उनके अस्त्र के द्वारा बन गए। इसके पश्चात लव कुश ने भरत तथा सुग्रीव को भी मूर्छित कर दिया। लव कुश के द्वारा हनुमान को भोजन देना। अब लव कुश श्री राम के स्वयं युद्ध में आने की प्रतीक्षा कर रहे थे तथा हनुमान उनकी बाल लीला का आनंद ले रहे थे। जब दोनों भोजन कर रहे थे तब उन्हें हनुमान पर भी दया आ गई। तब उन्होंने हनुमान के भी हाथ खोल दिए तथा उन्हें भोजन दिया। जब श्री राम उनसे युद्ध करने आए तब महर्षि वाल्मीकि के द्वारा पूरा मामला शांत करवाया गया तथा श्री राम अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा वापस ले गए तथा हनुमान को भी बंधन से मुक्त करवा लिया। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।